सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट में जिसका नाम है अक्षय ढोने शो। एंड आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। स्पेशल गेस्ट भी है, मेरी पर्सनल मेंटर भी है, जिससे मैंने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बहुत सारी नई चीजें सीखी है। मीट आवर न्यू मेंबर एंड न्यू गेस्ट वी कैन से सुजाता कुमारी। सुजाता, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू सो मच। इट इज here with you today. Yes, so Sujata, just give a little bit introduction about yourself, like who exactly is Sujata Kumari? Like bahut sare logo to pata hai jo meri audience dekhne wali hai, but a short introduction about yourself, Sujata. Sure. So firstly, again, thank you so much Akshay, and to our listeners, I am Sujata and I'm an international public speaking coach and a founder of theprospeakers.com. And I have been training people from across the globe. Aaj abhi tak maine 25 plus countries ke logo ko aaj tak train kar chuki hoon. You name it, it's like actor, actress, business owners, entrepreneurs or managing directors, VPs of the companies. So sabhi को मैं ट्रेन कर चुकी हूँ एंड आई एम ऑन अ मिशन टू ब्रिंग ऑन मोर चेंजेस इन पीपल्स लाइफ टू हेल्प देम स्पीक फ्यूअरलेसली ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ पब्लिक एंड गेट ऑल दैट दे डिजर्व। Wow, that's really amazing, Sujata. Like I have seen so many people achieving success at very like बोलते ना old age में, but you are so young and आपने कम उम्र में इतनी सारी बोलते ना achievement हासिल की है। But I know it was not easy for you, Sujata, right? जब आपने स्टार्ट किया था, लाइक जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं सुजाता, आपको तो पता है कि हमारा ना उसके पीछे का वाय होता है, राइट? सो टेल अवर ऑडियंस सुजाता, लाइक इन विच ईयर यू स्टार्टेड योर पब्लिक स्पीकिंग जर्नी एंड व्हाट वाज योर वाय बिहाइंड इट, सुजाता। ओके, सो बेसिकली अक्षय, मैंने अपना जो जर्नी है, आई स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2019 एंड उससे पहले आई वुड से दैट आई वाज कंप्लीटली एन इंट्रोवर्ट एंड मुझे ना बात करने के लिए बड़ा डर लगता था। आई हैड लॉट ऑफ सोशल एंग्जाइटी, कभी बात नहीं कर पाती थी, नॉर विथ माय नेबर्स, नॉर विथ माय अंकल आंटीज, फोन पे भी नहीं बात कर पाती थी। दैट वाज माय कंडीशन, ठीक है। एंड बहुत लोगों ने बुली करना शुरू किया, पीपल स्टार्टेड यू नो टॉकिंग बिहाइंड मी, टॉकिंग फ्रंट ऑफ मी, आई कुडंट आंसर एनीथिंग, जस्ट दैट आई कैन कम होम एंड आई कैन क्राई। सो आई नो कि काफ़ी लोग जो सुन रहे हैं हमें, मुझे सुन रहे हैं, डेफिनेटली दे कैन रेसोनेट विथ ऑल दैट आई एम टेलिंग, राइट? सो दिस वॉज माई कंडीशन एंड कभी भी कुछ भी होता था बोलते कि सुजाता ये तो इसको क्या पता है, राइट? बट एक ऐसा भी टाइम आया था घर पे पूरे खानदान को लगने लगा कि घर की सबसे बेवकूफ इंसान, सबसे बुद्धू इंसान सुजाता ही है। दैट वॉज द कंडीशन, इतना था। एंड इमेजिन कि एक बच्ची हो आप मैच्योर्ड नहीं हो और ऐसे चीजें दिमाग पे बहुत असर कर जाता है। एंड इसी रीजन से मैं उस टाइम पे फोन भी नहीं होते थे एंड आई ट्राइड कि क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, हाउ कैन ओवरकम दैट। इंटरनेट था नहीं, फोन नहीं था, आई डिडंट नो। और बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, यही सुना है तब तक। फिर उसके बाद आई गॉट अ छोटा वाला फोन जस्ट टू गेट माई इंटरव्यू कॉल्स इन माई फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। एंड आई मेट माई मेंटोर राहुल भटनागर सर, हु हैज मेड मी हूएवर आई एम टूडे बिकॉज ही इज माई फर्स्ट मेंटोर। वहाँ से जर्नी शुरू हुआ। एंड अगर मैं फेलियर्स का बात करूँ कि जो चैलेंजेस आए यहाँ पे एंड मेरा वाई क्यू स्ट्रांग हुआ इतना, इज बिकॉज की वो जो चैलेंजेस थे ना, दैट वॉज माई वाई। जो चैलेंजेस दैट आई वॉज फेसिंग, आज मैं वीडियोज डाल रही हूँ, आज मैं फोटोज डाल रही हूँ हर जगह, दिस वॉज नॉट द कंडीशन, इट वॉज टोटली डिफरेंट। बिकॉज मुझे अभी भी याद है, मैंने जब पहली बार सोशल मीडिया FB अकाउंट खोला था, बहुत डर डर के खोला था मैंने, एंड पहला फोटो डाला था। वो फोटो के बाद मुझे 3 महीना डांट पड़ी घर पे कि फोटो तुमने क्यों डाल दिया, सब लोग क्या बोलेंगे, अंदर लड़की हो, कुछ हो गया तो, लॉट ऑफ थिंग्स। बट आज ऐसा कंडीशन है कि पेरेंट्स दे सिट टुगेदर, दे वॉच माई वीडियोज टुगेदर एंड बोलते कि तू आजकल वीडियो क्यों नहीं डालती, फोटोज क्यों नहीं डालती इंटरनेट पे। सो दैट्स द डिफरेंट यू नो थिंग्स टुडे। सो when I started working on my speaking skills, when I started exploring, talking to strangers, doing lot of workshops, everything, that's where ek time aaya tab maine ek din baithi to maine bola ki yaar ye sab main kyu kar rahi hu, iska to end goal to hona chahiye na।
एंड मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आई स्टार्टेड लविंग स्पीकिंग एंड मुझे इसी को एक्सप्लोर करना चाहिए. एंड मुझे एक रियलाइजेशन भी हो कि यार मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे जो कि बुली हो रहे होंगे, जो कि मेंटली स्ट्रेस्ड हो रहे होंगे, या उनको अंदर ही अंदर शायद सामने वालों को नहीं दिखा रहे होंगे लेकिन अंदर अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस कर रहे होंगे जस्ट लाइक आई वॉज फेसिंग. वाई डोंट आई बिकम द कोच फॉर देम? वाई डोंट आई ट्रेन देम? राइट, सो दैट्स वॉट हैपेंड. एंड इसके बीच में मेरा जो स्ट्रांग रीजन हुआ था कि ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है मैं पब्लिक स्पीकिंग करूंगी, सिखाऊंगी, सब कुछ ठीक है. लेकिन एक टाइम आता है ना कि आपको थोड़ा सा लीनियंसी लेने लगते हो जो भी चीज कर रहे हो, कि हाँ यार कर रहे हैं, कर चल रहा है ऐसे. लेकिन वो लीनियंसी आज मैं नहीं ले पाऊंगी. I cannot take anything for granted. The reason being is that there are a lot of struggles. Say it a toxic relationship, say it a depressions that I had been for more than 2 months. Say it a body shame by people ki tu to machhar hai, tu to patli hai, tu tere se kya hoga. You know, there are a lot of things. And us ye sare cheeze ki wajah se, toxic relations ki wajah se, I stopped my career for last 1 year. And jab main wo ek saal इतना स्ट्रगल कर रही थी जस्ट बिकॉज आई कैन परस्यू माई पैशन एज अ स्पीकर, लेकिन आई कुडंट डू इट. रिस्ट्रिक्शंस थे, ये तो लड़की है, यू शुड नॉट डू स्पीकर्स का काम होता है इधर उधर जाना आना. तो लड़की है तो घर संभाल, चोला चौकी करना है, शादी करना और क्या है, राइट? सो यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस एनी मोर. एंड उस टाइम पे आई एक्चुअली स्टॉप माई करियर फॉर नेक्स्ट 1 year एंड आई वॉज डाइंग फ्रॉम इन साइड. ऐसा भी टाइम था कि मैं बुक्स भी पढ़ने लगी या मैं वीडियोस भी देखने लगी, तो या ऐसे लोगों को फॉलो करने लगी जिनके थ्रू मैं सीख सकती हूँ. तो मेरा फोन ले लिया जाता था, बोला जाता था कि बड़े सपने नहीं देखने हैं, ये सब देखोगे तो बड़े बड़े दिमाग बड़ा हो जाएगा, स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ दिस. ऐसा भी टाइम था कि आई वेंट टू रेस्ट रूम, आई टुक माई फोन एंड वहाँ पे आई यूज टू वॉच वीडियोज ऑफ राहुल सर या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर का, राइट? सो ऐसे टाइम्स आए कि आई नो कि दैट 1 year हैड मेड माई वाई सो स्ट्रांग कि आई कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. Right, and that's where I am doing all that I'm doing today. It was not easy to come over here. It was not easy. It was very difficult. I'm being very emotional now, but it was not easy. And once I got an opportunity to show myself up, I was on the bank. I immediately started with Global TV as a guest speaker. फिर वहाँ से students को सिखाना शुरू किया. वहाँ से हमने theprospeakers.com को explore किया. 25 कंट्रीज को ट्रेन कर रही हूँ, पीपल फ्रॉम 25 कंट्रीज और भी जुड़ रहे हैं. आई एम श्योर कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर और बाय नेक्स्ट ईयर 100 कंट्रीज क्रॉस हो जाएंगे. एंड आई एम लविंग द जर्नी. दिस इज ऑल. वाओ सुजाता, लेट मी टेल यू, आई एम जेन्युइनली गेटिंग गूज़बम्स राइट नाउ बाय हियरिंग योर स्टोरी. एंड वन मोर थिंग इज, यू हैव केम अ वेरी लॉन्ग वे, लेट मी टेल यू दिस. लाइक आपने जो भी फेस किए, स्ट्रगल्स आए, जो भी फेलियर्स आए आपके साथ, इट्स ऑल वर्थ इट. एंड दो तीन दिन पहले लाइक मैंने शायद आप ही की स्टोरी देखी थी जहाँ पर यू शोड योर ऑफिस टू योर फादर एंड ही वॉज सीइंग योर कॉन्टेंट ऑन सोशल मीडिया एज वेल, राइट? सो शेयर मी दैट एक्सपीरियंस, लाइक हाउ, वॉट वेर यू फीलिंग इन साइड वेन जब आप अपने फादर को अपना ऑफिस शो कर रहे थे एंड वो आपके वीडियोज देख रहे थे? शेयर दैट एक्सपीरियंस. सो अक्षय, उस टाइम की बात है जब मैंने बताया कि पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं मिलती थी. मुझे अभी भी याद है कि मैंने जब स्टार्ट किया था एज अ कोर्स ऑनलाइन, तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी कि तूने पैसे इधर उधर इन्वेस्ट कर रही है. एंड वो जो कोर्स मैंने लिया था 6 महीने या 12 महीने का इंस्टॉलमेंट पे 6,500 का कोर्स, राइट? सो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी. एंड हमेशा से भी पापा मम्मी, पेरेंट्स गलत नहीं है अपने जगह पे. पेरेंट्स का है कि बच्चे कहीं गलत रास्ते में ना चले जाए, बच्चे कहीं फंसे थे स्टूडेंट्स के सामने. उस दिन मुझे बहुत कॉल्स आ रहे थे कि व्हाई डिड यू गो, व्हाई आर यू डूइंग ऑल ऑफ दिस. फिर मैं और अपने भैया निकल गए थे एंड भैया वाज लाइक, सुजाता सोच कि ये तेरा लास्ट है जिंदगी का, लास्ट अपॉर्चुनिटी. एंड जब मैं वो स्टेज पे थी ना, ऑडियंस के सामने, बच्चों के सामने, आई वॉज टियरिंग आउट. आई वॉज सीइंग दो स्टूडेंट कि यार दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू, दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट डे ऑफ माई पैशन. एंड उस दिन हम लोग जैसे तैसे करके मैं और भैया आ गए घर. एंड घर पे सपोर्ट नहीं मिलती थी मोस्टली,
इट वॉज अ टाइम कि फिर बीच में मम्मी को पता चला कि शी इज एक्सप्लोरिंग, थोड़ा सा अर्निंग आना शुरू हो गई, तो कहीं पेरेंट्स भी सपोर्ट करने लगे. इनफैक्ट मम्मी बिकम वेरी सपोर्टिव इन बिटवीन कि शी इज डूइंग समथिंग, डोंट डिस्टर्ब हर, सो मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड रिसेंटली इट्स बीन लाइक 2.5 months, 2 months एग्जैक्टली दैट आई शिफ्टेड टू माई हाउस वेयर आई स्टे इंडिपेंडेंटली अलोन, राइट. सो एक सबका, एक मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना होता है कि मेरा एक ऑफिस होना चाहिए, मेरा एक कैबिन होना चाहिए, मुझे भी एक्सप्लोर करना चाहिए, यू नो मेरा पहले से सपना था. एंड वो छोटी सी प्लेस में जहाँ पे मैं काम करती थी अपने घर पे, देन आई शिफ्टेड हियर एंड मैंने ये सारा रूम मैंने डिजाइन किया हुआ है. एंड वंस पेरेंट्स के देवर, मुझे लिटरली फील हो रहा था डेफिनेटली मैंने अपने बेडरूम को अपना ऑफिस कन्वर्ट किया है, लेकिन इट वॉज अ गुड फील कि आई गॉट माई पेरेंट्स, दे आर सिटिंग ऑन दैट चेयर दैट जस्ट लाइक अ बॉस ऑफिस जैसा. इट वॉज लाइक बेस्ट फीलिंग दैट यू कैन नॉट एक्सप्रेस. फिर मम्मी भी आई, पापा ने भी अपना मेरा ब्लेजर डाल लिए क्योंकि उस टाइम पे अल्टरनेटिव नहीं था, रिसेंटली ही केम एंड ही वॉज लाइक फोटो लो. सो दैट इज समथिंग दैट आई ड्रीम्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड डेफिनेटली देर विल बी अ टाइम दैट वेर आई हैव माय ओन ऑफिस प्रॉपर वाला. आई एम ड्रीमिंग, आई एम मैनिफेस्टिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स. इट्स बेस्ट थिंग. एंड जब भी अभी रिसेंटली पापा के पास फोन नहीं था, रिसेंटली वी गॉट हिम अ फोन ऑन फादर्स डे. एंड जब भी फेसबुक इंस्टाग्राम जब भी देखते हैं, साथ में बैठ के देखते हैं, वेन एवर दे सी दोज वीडियोज ऑफ माइन, दे फील प्राउड. एंड आई वो अलग एक काइंड ऑफ फीलिंग है अक्षय, दैट आई कांट एक्सप्रेस यू ऑन इन वन सिंगल वर्ड कि कैसा लगता होगा. एंड आई वॉज थिंकिंग ऑफ दोज डेज कि यार एक टाइम था कि इतनी डांट पड़ी थी, अब एक टाइम है कि इतनी डांट पड़ती कि वाई आर यू नॉट पोस्टिंग वीडियो, वही पुराने वीडियोज देखना पड़ रहा है मुझे, और वीडियोज का डालो और फोटोज डालो. पेरेंट्स आर लाइक दे हैव बिकम वेरी सपोर्टिव. द एंटायर पॉइंट इज दैट काफी लोग सोचते हैं कि मुझे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरा पैशन जो है उसको फॉलो करने के लिए पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट उनको थोड़ा टाइम लगेगा जब तक उनको, बिकॉज वो एक अलग एनवायरनमेंट रह चुके हैं और अभी जो एनवायरनमेंट में आप जाना चाहते हो वो उनको पता ही नहीं है उस एनवायरनमेंट के बारे में, राइट. तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा अडेप्ट करने में. सो गिव देम इनफ टाइम, शो योर पैशन, आप अपना विजन दिखाओ, आप अपना एनर्जी दिखाओ, आप अपना जुनून दिखाओ ताकि पेरेंट्स बिलीव करें. साथ ही साथ जुनून के साथ वेट, हैव सम पेशेंस टू गेट द रिजल्ट. जब थोड़ा सा अर्निंग हो जाएगी ना, पेरेंट्स विल स्टार्ट बिलीविंग इन यू, राइट. तो मुझे लगता है कि आज अगर देर आर लॉट ऑफ रिजेक्शंस, लॉट ऑफ फेलियर्स दैट अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ मी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर शायद मैंने उस दिन गिव अप कर दिया होता तो शायद ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता, राइट. सो आई एम ब्लेस्ड दैट आई डिडंट गिव अप दैट डे, दैट आई एम ब्लेस्ड विद सच अमेजिंग मोमेंट्स दैट आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ. एंड या इट्स बेस्ट लाइक लिटरली सुजाता कि लाइक आपने एक जो एक चीज बोली ना, लाइक योर पेरेंट्स वर नॉट सपोर्टिंग यू एट स्टार्ट, बट नाउ व्हेन यू आर नॉट पोस्टिंग न्यू वीडियोस, उनके साइड से आता है कि लाइक सुजाता आपने न्यू वीडियोस पोस्ट नहीं किया. ये जो जमीन आसमान का फर्क अभी आया है वो सिर्फ उसी की वजह से आया है, बिकॉज यू प्रूव्ड योरसेल्फ कि हाँ आई कैन बी इंडिपेंडेंट. इट वॉज बिकॉज यू शेयर्ड योर लॉन्ग टर्म गोल्स विद देम. एंड सिर्फ आपने शेयर नहीं किया लॉन्ग टर्म गोल्स, बल्कि जो आपने गोल शेयर किया आपने उस पे रिजल्ट्स भी लाए. एंड व्हेन यू स्टार्टेड गेटिंग दोज रिजल्ट्स, योर पेरेंट्स स्टार्टेड सपोर्टिंग यू, राइट. सो द मेन रीजन व्हाई पेरेंट्स डोंट सपोर्ट देयर चिल्ड्रन इज बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर ये करेगा या फिर करेगी तो इनको रिजल्ट्स नहीं आएंगे. पर अगर आप स्टार्टिंग में बड़ा करने की जरूरत नहीं है, लाइक जस्ट द वे यू डिड, यू स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल, आपको स्मॉल अचीवमेंट आना स्टार्ट हुआ, देन यू कन्वेड योर पेरेंट्स एंड वो मान गए. सेम उसी तरह से अगर कोई भी जिनको एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करनी है या फिर स्टार्टअप स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद अ स्मॉल, छोटी सी अचीवमेंट आ जाए, पेरेंट्स को दिखाओ एंड देन शेयर योर लॉन्ग टर्म गोल्स. जब उनको छोटे छोटे रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू, राइट. एंड वन पॉइंट वॉज देयर सुजाता, लाइक वी ऑल्सो डिस्कस दिस, वेर यू टुक द मेजर रिस्क ऑफ क्विटिंग योर जॉब एंड coming full time into public speaking. क्या चल रहा था आपके दिमाग में, and what was going inside you कि like इतने साल तो job किया है but
अभी वो एक स्टेप लेना है, इतना बड़ा रिस्क लेना है. एंड जब हम कोई एक इतना बड़ा रिस्क लेते, दो चीजें होती है यार, अगर कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम नहीं आई तो, एंड सेकेंड थिंग इज अगर कुछ नहीं हो पाया तो क्या वापस से जॉब पे जाना पड़ेगा. सो शेयर दैट एक्सपीरियंस व्हेन यू टेक दैट बिगेस्ट रिस्क ऑफ क्विटिंग अ जॉब. डेफिनेटली अक्षय. अक्षय मैं अपनी जॉब वाली जो जर्नी है अगर मैं आपसे शेयर करूं तो इट वॉज नॉट ईजी. आई वॉज टर्मिनेटेड ट्वाइस फ्रॉम द कंपनी. कंपनी से मुझे दो बार बाहर निकाल दिया गया था, दो कंपनी से. एंड मेजर कुछ चीज़ें था नहीं. आई वॉज इन टू टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड कहीं ना कहीं आई कुडंट फोकस. सो मेरा भी गलती थी, राइट. सो उसके बाद मैंने दोबारा तीसरी जॉब पकड़ी वेर आई वर्क, उसमें एफर्ट्स डाला, राइट. एंड वहाँ पे मैंने 8 महीने नाइट शिफ्ट किया. उससे पहले जब मैंने दोनों कंपनी मेरा छूटा, आई वॉज जॉबलेस फॉर 10 मंथ्स. इट वॉज नॉट ईजी. उस टाइम पे लगा कि यार कोई तो जॉब दे दे, कुछ तो दे दे मुझे कि मैं कोई काम कर लूँ, राइट. लेकिन उसके बाद मैंने दोबारा फ्लिपकार्ट में काम करना शुरू किया, जहाँ पे आपकी हायरिंग और फायरिंग बहुत ज़्यादा जल्दी होती है. और वहाँ पे 3 महीने की कॉन्ट्रैक्ट में मैंने काम ज्वाइन किया हुआ था. एंड मैंने लगा कि ठीक है, 3 महीने का कुछ तो है, जो कि कमाई तो हो जाएगी, कुछ तो आ जाएगी, मेरा एक्सपेंसेस चल जाएंगे. फिर दूसरे महीने बाद मैंने वहाँ पे छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली. सो देर आई वर्क फॉर 8 मंथ्स नाइट शिफ्ट एंड फॉलोइंग माई पैशन इज वेल इन पैंडमिक. तो दिन में 6 घंटा ट्रेनिंग देती थी और 10 घंटा, 9 से 10 घंटा काम होता था. स्टेबल इनकम आ रही थी, अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, एवरीथिंग वाज फाइन. बट कहीं ना कहीं आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि आई शुड डू दिस फॉर लॉन्ग टाइम. एंड बहाना इसी रीजन से मैंने हमेशा से देती रही कि आई डोंट नो कि अगर मेरे मैनेजर सुनेंगे, बिकॉज ही इज कनेक्टेड टू इंस्टाग्राम विथ मी एंड ही ऑलवेज अप्रिशिएट मी नाउ. I had made so much of excuse to him कि सर नहीं, मेरी मम्मी का तबीयत खराब है, ये वो, I can't do day shift, I have to do night shift and all. Definitely it's not easy to leave your job जो जहाँ पे आपको consistent आ रही है. इनफैक्ट उस टाइम पे मेरा ऑलमोस्ट 2.5 लाख का हेड पे लोन था, सर पे लोन था. और मैंने जब मैं रेगुलरली नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट और मम्मी गांव चली गई थी तो घर संभालना पूरा का पूरा. सो ऑलमोस्ट यू कुड से दैट आई वाज वर्किंग फॉर मोर देन 17 to 18 आवर्स. ऐसे करते करते 3 महीने कंटिन्यूअसली आई स्टार्टेड फॉलिंग सिक. एवरी मंथ आई वॉज 2 वीक्स, 1 वीक आई वॉज सिक. एंड इट वॉज अ थर्ड मंथ, दैट इज आई स्टिल रिमेंबर, इन द मंथ ऑफ नवम्बर, मैं पूरा बेड रेस्ट पे चली गई फॉर ऑलमोस्ट 1 वीक. पूरा ग्लूकोज चढ़ रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग. आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई हैंड्स, लेग्स. इट वॉज लाइक द ओनली थिंग आई वॉज सिटिंग इन द हॉस्पिटल एंड प्रेइंग वॉज माई फॉर माई लाइफ. उस टाइम पे मुझे सारे एफर्ट्स, जितने भी चीजें था, कुछ नहीं दिख रहा था एक्सेप्ट माई लाइफ, बिकॉज आई डोंट नो कि ऐसे कंडीशन में मैं कभी नहीं गिरी हुई थी. एंड जिस दिन मुझे ग्लूकोज चढ़ा, उसके बाद मैं घर आई, इमिडिएटली मैंने लैपटॉप ओपन किया एंड मम्मी ने बोला, दो ही एक ही चीज बोला कि तू जॉब कर या अपना पैशन कर, दोनों में से एक. शी गेव मी ऑप्शन स्ट्रिक्टली. मैंने बोला कि यार ये तो बड़ा दुविधा वाला बात है. फिर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड. मैंने बोला कि जॉब तो नहीं करना है, लास्ट ऑप्शन इज मेरा करियर. इसके लिए इतना सारा चीज़ें, डिप्रेशंस, रिलेशनशिप्स और नो फैमिली रिजेक्शंस, फैमिली सपोर्ट, मनी, बुलुइंग, ऑल ऑफ दिस, आई रिकॉल्ड एवरीथिंग. फिर मैंने कहा जॉब नहीं, आई विल फॉलो माई पैशन. एंड इमिडिएटली रात को मैंने पेपर डाला, मैनेजर को कॉल करके बोला आई कांट कंटिन्यू एनी मोर. एंड इट वॉज नवम्बर 13th दैट आई लेफ्ट एंड आई हैड टू सर्व 1 मंथ ऑफ नोटिस पीरियड. December 13th वॉज माई लास्ट वर्किंग डे. डेफिनेटली इसके बाद मेरे पास स्टेबल नहीं था करियर में, जो पब्लिक स्पीकिंग में स्टेबल इनकम आ रहे थे लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी. डेफिनेटली पेरेंट्स को लगने लगा कि हाउ विल आई मैनेज, बिकॉज एवरी मंथ आई हैड माई लोन बिल्स कमिंग इन और मैं मम्मी पापा से पूछ नहीं सकती हूँ. इट वॉज डिफिकल्ट. फिर जॉब छोड़ने के 1 महीने तक, 1 से 1.5 महीने तक, देर वॉज जीरो इनकम. मेरा माइंड में या पेरेंट्स, फ्रेंड्स सारे बोलने लगे कि सुजाता यू शुड हैव वन जॉब, एक जॉब तुझे रहना चाहिए.
मैंने इसी रीजन से एक जॉब भी देखा, अच्छे खासे पैकेज दे रहे थे, मेरे जो पैकेज मिल रहे थे उसे डबल दे रहे थे, इंटरव्यू दिया, क्लियर किया, दे लाइक्ड माय प्रेजेंटेशन, द वे आई स्पीक, एवरीथिंग वाज फाइन। एंड उस दिन जब ज्वाइनिंग के टाइम था, जैन की बात बोल रही हूँ, दिस ईयर मैंने कॉल करके बोला, सर आई कैन नॉट ज्वाइन, आई एम सॉरी, आई डिडंट हैव मनी, आई हैव माय लोन, आई कॉल्ड हिम, आई कैन नॉट ज्वाइन, बिकॉज मुझे लगा, मुझे पता है कि अभी मैंने पीछे दोबारा जॉब में चली गई ना, ये जो हिम्मत आई है रिजाइन करने की वो दोबारा नहीं आएगी, इसलिए आई क्विट माई जॉब। एंड एग्जैक्टली आफ्टर अ वीक ऑफ यू नो कॉलिंग हिम एंड टेलिंग, आई जनरेटेड अ मनी ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 लाख, एंड जस्ट इन इन अ स्पैन ऑफ 1.5 वीक I generated. I had some backup, cleared my loan completely because loan ki pehle bhi chal rahi thi, to utna pura 2.5 lakh tha nahi, it was half of it. It was my birthday on Feb 10th. I gifted myself clearing that loan on my birthday. And definitely abhi bhi lagta hai kabhi kabhi ki yaar nahi chala to kya hoga, job jana chahiye lagta hai, lekin main dobara sochti hu apna why ko. आई सी एंड मे बी ऐसे वीडियोज, जैसे कोई पॉडकास्ट ले लिया, ऐसे वीडियोज को मैं दोबारा देखती हूँ तो मुझे एक अलग सा एनर्जी बूस्ट आ जाती है। एंड मैं अभी भी सोचती हूँ कि यार मैं जॉब में 10 घंटा इतना एनर्जी डाल के वहाँ पे करूँगी, उतना एनर्जी मैं अगर अपने बिजनेस में डालूँ तो शायद ग्रो हो सकती है, राइट? सो काफी लोग रिलेट भी कर रहे होंगे विथ मी, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जो भी सुन रहे हैं, इतना फैंसी लगता होगा कि मैंने जॉब छोड़ा है इतना सब स्ट्रगल से, लेकिन आप तब छोड़ना जब आपको कहीं ना कहीं श्योर हो जाए कि एटलीस्ट कुछ इनकम आ रही है। मेरा थोड़ा बहुत इनकम आती थी और बिजनेस में कभी कभी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भी होते थे। डोंट लीव योर जॉब कम्प्लीटली, बिकॉज रिसेंटली मैंने एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, शी टोल्ड कि मैंने पूरा जॉब छोड़ दिया, अब मैं स्टार्ट करूंगी, ना ही नीश क्लैरिटी है, ना ही कुछ है, दे जस्ट स्टार्टेड एंड नाउ शी इज अगेन गोइंग बैक टू जॉब। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। थोड़ा सा इनकम जनरेट करना शुरू करो, क्लियर हो जाओ कि मुझे कौन से रास्ते जाना है, क्या करना है, से मेरा इनकम आ जाएगी इनफ। आज मुझे भी पता है कि अगर मेरे पास अभी इनकम नहीं है, आई नो हाउ टू जनरेट एंड आई नो हाउ द मनी इज गोइंग टू कम बाय एंड ऑफ दिस मंथ, मुझे पता है। एंड दैट वॉज द रीजन आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप वॉज लिविंग द जॉब, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप वॉज गेटिंग द हाउस, लिविंग इंडिपेंडेंटली, एक्सपेंसिस और बढ़ जाना, इट्स नॉट ईजी, बट द थिंग इज believing in what you're doing, exploring, right mentorship, right guidance, and junoon andar se will be all set. Absolutely right. And you must be feeling proud ki yes, I left that job and now I'm able to live the life which I always dreamt of. Right? Yes. But yes. Ek aur cheez jo logo ko samajhni chahiye jo ye podcast dekh rahe hain, never ever leave your job if you don't have a steady income flow, second source of income. And second thing is, you have to be disciplined if you are following your passion. True. Agar aap apna passion follow kar rahe ho, khud se sari cheeze kar rahe ho, it is very, very difficult to be disciplined. So Sujata, let me ask you this question. Like, jab hum job karte hain, wahan par boss hota hai, managers hote hain, jo humse kaam karwa ke lete hain. How you are so much disciplined towards your passion ki aap roz subah uthte ho, you know ki aapke sessions hai, you know ki aapko workshops dena hai, you know ki abhi webinar karna hai. How you keep yourself so much disciplined towards your work, Sujata? Number one thing is that aapko na roz subah aap agar uthte ho, to aapko uthne ka na ek why hona chahiye. राइट, सो दैट्स वन ऑफ द थिंग कि मुझे पता है आज मेरा वाई स्ट्रांग है, मुझे पता है मैंने अभी अभी इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, मैंने जॉब भी छोड़ा था, आई नो कि काफी सारे लोग मुझे पीछे बोल भी रहते हैं, देखते हैं कि कितना दिन जॉब छोड़ के बिना जॉब के रहती है, देखते हैं कि कितना दिन अकेले रह लेगी ऐसे इंडिपेंडेंटली। देर आर फ्यू पीपल हु आर वेटिंग ईगरली फॉर योर फेलियर एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी रीजन्स एंड ना ही मेरे पेरेंट्स को कोई रीजन मिले कि फॉर टेकिंग एनी डिसीजंस इन माय लाइफ, राइट? माय व्हाई, माय गोल्स इज कीपिंग मी डिसिप्लिन्ड फॉर ऑल दैट आई एम डूइंग। दूसरी चीज, लोगों को लगता है कि स्टार्ट कैसे करें ऑल ऑफ दिस, पहले आप स्टार्ट कर लो, बाकी का आगे आगे रास्ता दिख जाएगा कम्प्लीटली। और मुझे पता है कि किसी ने मुझे पे किया हुआ है, मुझे उठ के देना है उनको,
वो मेरे भरोसे बैठे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं आप भी हैं, राइट। जब मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम आज पता है आपकी वजह से मैंने अच्छे से बोला, मैम आपकी वजह से ये हो रहा है, आई डोंट नो, कि काफी काफी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सुजाता यू आर लाइक एंजल ऑफ माई लाइफ, यू आर लकी चार्म ऑफ माई लाइफ, दिस कीप्स मी गोइंग, मुझे लगता है कि आई कैन डाई फॉर दिस फॉर माई लाइफ टाइम, एंड ऑल ऑफ दिस इज लाइक ब्रिंगिंग दैट डिसिप्लिन इन माई लाइफ फॉर ऑल दैट आई एम डूइंग। मेरा एक बिलीव है अक्षय, मैंने काफी लोगों को या आपने अपने सर्कल में काफी लोगों को देखा होगा कि वो आते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, जुनून रहता है, एनर्जी रहता है, सब कर रहे होते हैं, एक साल छह महीना फिर गायब। मैं आज मार्केट में उतरी हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो अगर आप स्टार्ट करें तो थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म गोल, आपको जो लॉन्ग टर्म गोल है स्ट्रांग होना चाहिए। अगर नहीं स्ट्रांग है तो आप 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल मोटिवेटेड रहेंगे, करेंगे, जुनूनली रिजल्ट नहीं आया निकल जाएंगे। सो दैट्स द एंटायर पॉइंट। एब्सोल्युटली। एंड मैं मेरी ऑडियंस को खुद बताना चाहूंगा, द रीजन बिहाइंड माई मोटिवेशन एंड द रीजन बिहाइंड माई कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो सुजाता, बिकॉज सुजाता लेट मी टेल यू वन जेन्युइन थिंग व्हिच आई हैव नेवर शेयर्ड विद यू। जब मैंने 1000 वीडियो स्टार्ट किया था चैलेंज, आई नेवर थॉट कि मैं एटलीस्ट 15 दिन भी टिक पाऊंगा। लाइक मुझे लगा था 15 डेज करूंगा ज्यादा से ज्यादा, देन उसके बाद मैं क्विट कर दूंगा। बट यू वुड नॉट बिलीव, अभी तक 375 डेज हो चुके हैं, आई हैव नेवर स्किप्ड अ सिंगल डे। लाइक आई नो मंडे टू सैटरडे लाइक मैं बिजी होता हूँ, बट सैटरडे को जैसे ही मैं आ जाता हूँ जॉब से, आई डू शूट ऑल 7 वीडियोज इन वन टेक, आधा घंटा एक घंटा लगता है। एंड पीपल, जब मैं लोगों को बताता हूँ कि लाइक आधे एक घंटे में मेरा वीडियो शूट हो जाता है, दे आर लाइक हाउ यू कैन शूट 7 वीडियोस इन 1 आवर और हाफ एन आवर। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस विच यू हैव गेन्ड इन दोस 375 डेज, राइट। सो यू ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, द वे आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, द वे आई एम टेकिंग दिस चैलेंज in such a positive way, it's all because of you, Sujata. So thank you so much for that as well. Congratulations for everything, Akshay. And I'm glad, I'm happy to be over here. And seeing you always grow has been my favorite thing to do every single day, seeing all my mentees grow every single time. So that's the best thing that as a mentor that I can tell you. So when I saw you cutting that cake of 365 days, oh my God, I was so happy that day. I was like, wow, this is amazing. I'm like, more power to you, Akshay. More power to you. You are doing amazing. Thank you so much, Sujata. It's all because of you and your mentorship which you have given me. And abhi main aapse puchna chahunga, Sujata, like now you are doing absolutely great in your life. Aapne apna office bhi bahut acche se design kiya, as I can see. Abhi aapke future goals kya hai aane wale 6 mahine mein, aane wale 1 saal mein? How you are able to achieve all those future goals? क्या है आपके goals अभी? So अगर मैं अपने future goals की बात करूँ अक्षय, तो definitely I want to impact a lot of people. I want to explore and I want to reach out to more people whoever are hidden. So I'm going to expand my comfort zone of reaching to more people, bringing more people, impacting their life, making their life more better. So like I said early that abhi hamara 25 countries I have crossed. I am planning to cross 100 countries by end of this 1 year. Not this year, I'm not sure, hopefully, cross finger, but at least by next year I should be covering. And second thing is that definitely I want to explore a lot, because career mein itna focus karte karte you forget about exploring your life as well. So I want to explore a lot, travel a lot. That's one of the thing. And definitely I have my vision board right in front of me, which has a list of things, which says Datadex, which says Forbes, which says Economic Times, Joe Stocks, IITs, U Stories. There are a lot of things that I have in my vision board. Every time, whenever I get up, I see that. So there is way more to go. This is just a thing that there is way more to go every time. But mera 1 se 1.5 saal ya 5 saal ke andar platforms reaching out to more people, impacting more people, and especially I want to reach out to those women who settle for less. Who settle for less? बोलते हैं कि adjust करके रह लेंगे. Lot of time they sacrifice their career, right?
But they forget that they also have their own identity. They also have their own dreams, which they kill for someone else. No, I want to be an inspiration for those women for not giving up in their life for anything and settle for less. Right? I have met a lot of women. Every time, whenever I hear them, especially even in my friend circle, they are like, "Oh, regret wala life reh jaati hai." Right? They're like, I don't want these women to live this regretful life. You have that power. You have that power to fight. You have your own identity. You have to become financially independent, right? You have to be free to think about all that you want. Do all that things that you aspire for, desire for, right? So I want to be an inspiration for all these women in upcoming days as well. Wow, what a beautiful message you shared, Sujata, to all the women out there. And I know jitne bhi log ye video dekhne wale hai, ye video podcast sunne wale hai, unke life mein bahut zyada value add hone wali hai. And Sujata, personally, thank you so much from bottom of my heart that you gave your time and you shared your story. Isme se 90% of the things I was not knowing about you, but is podcast ke zariye mujhe aapse pata chala, and it was so emotional podcast I've ever done in my life. So thank you so much for your time. And thank you for Akshay. Yeah, thank you for inviting Akshay. It's like feeling good, pouring your heart out. Thank you for hosting this for me. Thank you for making these messages, this story of mine, reaching out to people who need to hear this, get motivated. Thanks a lot. Thank you so much, Sujata, and I wish you all the best for all your future projects, and may you achieve all the success and happiness which you always deserve in your life, Sujata. Thank you so much. Thank you so much, and all the best to you as well, Akshay. Keep rocking and do amazing in your life, all that, yes. And make me proud as well. And I'm really proud today being over here. Sure, Sujata. Thank you so much. Thank you, Akshay.